संबंधित हैं। हम रोज बता रहे हैं कि कोरोना का संकट हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कल बहुत से नए केसेस हो गए, अपने यूपी में भी काफ़ी केस नए हो गए, लगभग 117 केस नए सामने आए हैं कल ही अकेले में। और ये कोरोना कोविड-19 इसकी दस्तक अब हमारे राष्ट्रपति भवन और सचिवालय तक हो गई है, इसलिए हमें बहुत बचाव की ज़रूरत है और हमें एक पहरेदार की तरह भी कार्य करना है। आपको हमको एक पहरेदार की तरह कार्य क्या करना है, हमारे अगल बगल हमारे घर में, अगर हमने अपने घर वालों को ही कंट्रोल कर लिया तो बहुत बड़ा कार्य कर लिया, कहीं नहीं निकलने देना है। वृद्ध लोगों को तो बिल्कुल नहीं निकलने देना है, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपके ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और ये दायित्व अब हम सब लोगों का है कि हम अपने अपने घर पर कंट्रोल करें कि हम उनको बिल्कुल घर से ना निकलने दें और ना ही निकलें, दूर दूर रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें। यही इसका बचाव ही इसकी रोकथाम का उपाय है। बाज़ार में भी ना जाएं, बहुत ज़रूरी सामान लेना है तभी मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, तभी आप बाज़ार में जाएं, सब्जी लेने जाएं। हम इसके बाद आपको कोर्स की तरफ ले चलते हैं। कल मैंने आपको प्रोज का एक पार्ट पूरा करा दिया था, द गर्ल विद ए बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की का बताया था। जैसे मैंने बताया कि मंडे और ट्यूसडे आपकी प्रोज, वेडनेसडे और थर्सडे आपकी पोएट्री है, तो आज पोएट्री निकालना है। इसमें पहला लेसन है आपका कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, प्रसन्न जीवन का रहस्य है, कैरेक्टर है तो क्या है, इसमें किसने इस कविता को कंपोज किया है, सर हेनरी वाटन ने किया है। और इसमें पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट स्टैंजा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्व नॉट एनोदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। प्रसन्न व्यक्ति के बारे में, हैप्पी लाइफ के बारे में क्या कहा गया है कि जो एक हैप्पी मीन होता है, प्रसन्न व्यक्ति होता है, तो प्रसन्न व्यक्ति को बर्थ एंड डज नॉट मेक ए मैन हैप्पी, जन्म और शिक्षा किसी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं बनाती है। दैट सर्व नॉट एनोदर्स विल, यानी प्रसन्न व्यक्ति हमेशा अपना काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, ही इज फ्री टू डू व्हाट ही लाइक, जो वो चाहे वो अपना काम करने के लिए स्वतंत्र होता है। दैट सर्व नॉट एनोदर्स विल, और वो एनोदर्स विल, ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग एनोदर्स विल, वह दूसरे की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है कि ही इज फ्री टू डू व्हाट ही लाइक, कि वो जो चाहे करने के लिए फ्री होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ऑनेस्ट थॉट ही उसके आर्मर हैं। और आर्मर्स का मतलब होता है, क्या होता है आर्मर में, आर्मर का मतलब होता है वीपन्स, वीपन्स का मतलब औजार है, औजार समझ गए, हथियार है। और उसका सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, ऑनेस्ट थॉट, सदाचार के विचार, ईमानदारी के विचार उसके क्या होते हैं, ऑनेस्ट थॉट इज हिज क्या है, वीपन्स उसके शस्त्र होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, देखिए ही बिलीव्स इन सिंपल ट्रुथ ऑफ लाइफ, वह जीवन के सामान्य सच्चाई में क्या करता है, बिलीव करता है। एंड दिस सिंपल ट्रुथ इज हिज बेस्ट स्किल है, अटमोस्ट स्किल है, सबसे बड़ी कुशलता है। और क्या है,
दी सिंपल ट्रूथ इज हिज बेस्ट स्किल। तो इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, जैसा मैंने बताया है, हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम ए बर्थ एंड एजुकेशन डज नॉट मेक ए मैन हैप्पी, हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम नेचर, ही डज नॉट वर्क टू अकॉर्डिंग अनदर्स विल, ही इज फ्री टू डू व्हाट ही लाइक, ही बिलीव्स इन सिंपल ऑनेस्ट थॉट इज हिज वीपन्स, ही बिलीव्स इन सिंपल ट्रुथ ऑफ लाइफ एंड दी सिंपल ट्रुथ ऑफ लाइफ इज हिज बेस्ट स्किल। एक हो गया। दूसरा है, हुज पैशन नॉट टू हिज मास्टर्स आल, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आल, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ फ्रेंडली लव और वल्गर ब्रेथ। एक ये पैराग्राफ देखिए, पैशन माने जो उसका पैशन है, मनोवेग है, उसकी उमंगें हैं, तो अपनी जो मनोवेग हैं, मास्टर होता है उनका। इसमें लिखा है पेशेंट नॉट हिज मास्टर आर, उसके मास्टर नहीं होती हैं, जो उसके मनोवेग हैं उसकी मालिक नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, हैप्पी मैन कंट्रोल हिज पेशेंट सच, और वो पेशेंट कौन सी हैं, जैसे एंगर है, वरी है, जीलियसी है, लव है एंड हैटर्ड है। कहने का मतलब ये है, हैप्पी मैन कंट्रोल्स हिज पैशन सच एंगर वरी जीलियसी लव एंड हेटर, हूज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, ही इज अफ्रेड, ही डज नॉट अफ्रेड टू एनी वन, वह किसी से नहीं डरता है, ही इज फियरलेस, क्योंकि वो फियरलेस होता है, निर्भीक होता है, ही डज नॉट अफ्रेड फ्रॉम डेथ, वह मृत्यु से भी नहीं डरता है, क्यों, हिज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, ही इज ऑलवेज प्रिपेयर फॉर डेथ, इट मे कम एनी मोमेंट, वह हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, चाहे ये किसी भी क्षण क्यों ना आ जाए। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर क्रिटिक्स, और वो जो वर्ल्ड विद केयर, उसकी भी चिंता नहीं करता है, किसकी, ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली लव फेवर ऑफ किंग, ही डज नॉट केयर द फेवर ऑफ किंग, वह राजा के फेवर की भी केयर नहीं करता है, और वल्गर ब्रेथ का मतलब क्रिटिज्म ऑफ कॉमन मैन, क्रिटिज्म ऑफ कॉमन मैन। सी of common man, और वो इनकी भी परवाह नहीं करता है, लव ऑफ किंग एंड क्रिटिज्म ऑफ कॉमन मैन। तो देखिए दूसरा पैरा भी हो गया। ए पोर्ट सेज की हैप्पी, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका, पोर्ट सेज हैप्पी मैन कंट्रोल हिज पैशन सच एंगर वरी जीलियसी लव एंड हेटर, ही बिलीव इन सोल फोर्स, वह आत्मा के फोर्स में विश्वास करता है, ही इज फियरलेस, वह निर्भीक होता है, ही डज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वह मृत्यु से भी नहीं डरता है, इट मे कम एनी मोमेंट, ये किसी भी क्षण आ जाए, ही डज नॉट केयर किंग्स लव यानी फेवर ऑफ किंग, वह राजा की भी क्या नहीं करता है, केयर नहीं करता है, ही डज नॉट केयर फेयर ऑफ फेवर ऑफ किंग एंड क्रिटिज्म ऑफ कॉमन मैन, और सामान्य लोगों की आलोचना की भी वो क्या नहीं करता है, परवाह नहीं करता है। अगला पैराग्राफ, हुज हैड लाइफ फ्रॉम र्यूमर फ्रीड, हुज कॉन्साइज इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, Whose estate can neither flatters feed nor ruin make a prosperous great? देखिए, who hath life from rumors feed? यानी अफवाहों से उसका life कैसा होता है? Free होता है। The life
कोट सेज लाइफ ऑफ हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम र्यूमर, प्रसन्न व्यक्ति का र्यूमर से क्या होता है, लाइफ फ्री होती है। हुज कॉन्साइज इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और हुज की कॉन्साइज यानी ही बिलीव्स इन हिज सोल फोर्स, वह आत्मा के फोर्स में बिलीव करता है। हिज कॉन्साइज उसकी अंतर्गत आत्मा क्या करती है, गिव्स हिम क्या देती है उसको, रेस्ट एंड पीस देती है, रिट्रीट करती है, स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। तो यानी क्या देती है उसकी अंतरात्मा, उसको पीस एंड रेस्ट देती है। कहने का मतलब ये आगे ये है, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड, यानी फॉल्स फ्लैटरी कैन नॉट अफेक्टेड हिम, झूठी चापलूसी उसको क्या नहीं कर सकती है, अफेक्टेड नहीं कर सकती है, प्रभावित नहीं कर सकती है। ही इज अनअफेक्टेड ऑफ फॉल्स फ्लैटरी, और क्या नहीं करता है, नॉर रून, ही डज नॉट केयर ऑफ हिज रून, वह अपनी बर्बादी की भी चिंता नहीं करता है। सच पर्सन गेट ट्रू हैप्पीनेस, इस प्रकार का व्यक्ति सच्ची क्या गेट करता है, हैप्पीनेस को गेट करता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। लाइफ पोएट सेज द लाइफ ऑफ हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम रिवर, ही बिलीव्स इन सोल फोर्स, हिज कॉन्साइज गिव हिम पीस एंड रेस्ट, ही कैन नॉट, ही फॉल्स फ्लैटरी कैन नॉट अफेक्टेड हिम, ही कैन नॉट केयर ऑफ हिज रून, हिज सच हैप्पी या सच पर्सन गेट्स क्या गेट्स करता है, टू हैप्पीनेस इन लाइफ, इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची प्रसन्नता। अब इनका आपको एक्सप्लेनेशन कल करके लाना है जो मैंने बताया है, अभी मैं थोड़ा सा और पढ़ा रहा हूँ।